हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लिट मेल्स आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑस्ट्रेलियन ड्रीम व्हिच इज़ रिटन बाय ऑस्ट्रेलियन पोएट डेविड कैंपेल तो इस पोएम में हमको ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का एक झलक दिखेगी आप यहाँ पर अपने आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आस का प्लेसमेंट मैप में वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया कहाँ प्लेस्ड है और वो इंडिया से कितने दूरी में है आई एम जस्ट शोइंग यू दिस सो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर ऑस्ट्रेलिया इज प्लेस्ड तो अमेरि आ, आई एम सॉरी ऑस्ट्रेलियन ड्रीम जो है इट इज़ इन लिंक विद द टाइप ऑफ हिस्ट्री जो की है कॉलोनाइजेशन यानी जब ब्रिटेन ने आकर ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज़ किया था मतलब यह है सरल भाषा में उन्होंने आकर ऑस्ट्रेलिया को ओवरपावर करने की कोशिश की उनका सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जैसे जस्ट द सेम वे ब्रिटिशर्स हैड डन इंडिया में जस्ट द सेम वे ऑस्ट्रेलिया में भी ये उपनिवेशता हुई थी और ये जो टाइम पीरियड का हम बात कर रहे हैं दिस इज़ समवेयर अराउंड सेवनटीन एटीज़ आई मीन एटीन नाइनटीन सेंचुरी का बात है नाउ इफ यू आर कमिंग टू डेविड कैम्बल जो कि है राइटर आप उनका टाइम टाइम लाइन देख लीजिए लाइफ का विच इज़ ही वॉज बॉर्न इन नाइनटीन फिफ्टीन एंड ही पासड अवे इन नाइनटीन सेवनटी नाइन तो ये जो ट्वेंटी एथ सेंचुरी ये जो टाइम लाइन है उनका ये पीरियड था एक बहुत अनसेटलिंग पीरियड था विच मीन्स वर्ल्ड वॉर चल रहा था एज एज यू नो अराउंड नाइनटीन थर्टी नाइन नाइनटीन फोर्टी फाइव वर्ल्ड टू वर्स गोइंग ऑन एंड देर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इन बिटवीन कंट्रीज डेविड जो थे उनके बहुत सारे वर्क्स में आपको नेशनलिस्टिक व्यूज देखने को मिलेंगे एज एन मोर ओवर ही इज राइटिंग अबाउट द कंट्री ही इज राइटिंग अबाउट ओवरऑल स्टेट ऑफ अफेयर्स जो दुनिया में चल रही थी ही डिड राइट अबाउट दैट बट ऑल्सो स्लोली उनका वर्क इंडिविजुअलिस्ड भी होने लगा विच मीन्स ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स तो so, जैसे कि अभी हम पोएम में चलते हैं जैसे कि एज़ यू नो दुनिया भर में जो चीज़ें चल रही थी स्पेशली ब्रिटेन वॉज एट द टॉप ऑफ इट्स पावर एट द पीक ऑफ इट्स पावर सो इट वॉज़ ओवर पावरिंग मैनी मैनी कंट्रीज़ अंडर इट्स सेल्फ तो यहां पर हम पोए में पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन ड्रीम अगर हमें ऑस्ट्रेलियन ड्रीम बोलूँ आप ये मत सोच के बैठना कि कि पोएट ने यह कोई सपना देख के बैठा ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलियन ड्रीम का मतलब यहां पर यह है एक विजन है विच ही हैड टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया को एज अ कंट्री एज अ कॉन्टिनेंट वो कैसे देखना चाहते थे और वो किस तरह का समानता देखना चाहते थे एनी दैट्स फॉर द बैकग्राउंड नाउ विल स्टार्ट विद पोएम पोएम में तीन स्टैंडा है विल कवर इट वेरी ब्रीफली एंड माई सजेशन इज आप एक पेन और पेपर लेके रखें सो वन एवर आई टेल समथिंग इम्पोर्टेंट प्लीज नोट डाउन तो पहले हम पोएम को समझ लेते हैं एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी आप खुद समझ जाओगे कि ये पोएम किसके बारे में है सो लेट्स बिगिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला स्टैंडा इतना है द डोरबेल बस्ट इट वॉज पास थ्री ओ क्लॉक मतलब रात का समय हो रहा था जब भी डोरबेल बजा ये पोएट जो है सो रहे थे एंड तीन बजे द डोरबेल बस्ट द स्टीपल ऑफ सेंट एंड्रीज़ वेदर कॉक राइड साइलेंटली टू डार्कनेस ये उनका एक्सप्लनेशन है स्टीपल का मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए ये एक पीक है जो चर्च का पीक को बोलते हैं उसको स्टीपल बोलते हैं सेंट एंड्रीज़ चर्च का नाम है और वेदर कॉक यहाँ पर आप पिक्चर देख लीजिए इसको बोलते हैं जो यूजअली इन मोस्ट ऑफ द टॉल टॉल बिल्डिंग्स टार्स चर्चेज में भी लगते हैं ये वेदर के बारे में बोलते हैं विंड के बारे में बोलते हैं डरेक्शन दिखाते हैं तो वो यहाँ पर ये एक एक्सप्लेशन करें कि इतना अंधेरा है कि ये सब भी अंधेरे में छुप गया है द वेदर क्लॉक क्राइड साइलेंटली टू डार्कनेस देन एंड माई हेड वॉज ब्रॉन्स विथ क्लैरिट एज़ आई रोल फ्रॉम बेड विच काइंड ऑफ मीन्स कि वो शायद इंटॉक्सिकेटेड थे क्लैरिट एक कलर है ये जो कलर आप देख रहे हैं इसको क्लैरिट बोलते हैं इट ये काइंड kind ऑफ of एक वाइन का कलर है जिसका मतलब यह है कि वो इतने ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल नशे में थे तो वो बहुत स्लीपिशली बेड से उठे जब बेल बजा टू रिकोशे फ्रॉम फर्नीचर नाउ रिकोशे का मतलब एक प्रोजेक्टाइल होता है जो सरफेस में हिट करके बाउंस कर जाता है ठीक उसी तरह वो जब चल चल के जा रहे थे डोर खोलने के लिए जैसे एक रिकोशे की तरह वो फर्नीचर के साथ लग के ही ऑलमोस्ट बाउंसड ऑफ देट मींस आपने खुद एक्सपीरियंस करा होगा अंधेरे में इफ यू आर वॉकिंग एंड यू आर वेरी स्लीपी यू काइंड ऑफ टेन टू हिट अदर सरफेस सो दट एक्सैक्टली वॉज है स्टेज द्रेंग sprang upright. दीज आर बेसिकली डिस्क्रिप्शन रात का समय था और तीन बज रहा था एंड क्योंकि डोर बजा वो चल चल के जा रहे थे और वहाँ पर उनको लाइट भी दिख रहा था और वो इतना ज्यादा लाइट था वहां पे कि जो uh, सीढ़ी था स्टेयर्स था वो भी उनको दिख नहीं रहा था फिर आई फम्बल्ड विद द लॉक एंड ऑन द पोच स्टूड द रॉयल फैमिली विद अ वेवरिंग टॉर्च अभी समझ में आया कि लाइट क्यों दिख रहा था क्योंकि जब उन्होंने डोर खोला लॉक uh, के साथ उन्होंने थोड़ा uh, इधर उधर करके खोल दिया सम्भव एंड जब उन्होंने पोर्च में देखा वहां पर रॉयल फैमिली खड़ा था विच मीन्स द क्वीन द ड्यूक द क्वींस हजबेंड इज द ड्यूक री मैन uh, है? है जो पोइट है यहाँ पर एक ऑर्डिनरी मैन है वो रॉयल फैमिली का कोई रिश्तेदार नहीं है वह उनको पर्सनली जानते तक नहीं है लेकिन रात के तीन बजे ये लोग आके डोर पर क्यों खड़े हैं फिर दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंडा लेट्स मूव ऑन टू दी जब दरवाजा खुली गया, खुली गया है queen bol rahi hai. we hope the queen said we do not intrude the pubs are full of आर सब्जेक्ट्स मोस्ट ऑफ आर सब्जेक्ट्स रूल अभी क्वीन किसी के घर में इतनी रात को आई हैं सो ऑफकोर्स शी इज़ फीलिंग सॉरी अबाउट इट और वो बोल रहे हैं कि माफ़ कीजिए मुझे लगता है कि हमने आपको डिस्टर्ब किया बट हमको यहाँ आना पड़ा क्योंकि जितने सारे आ, सिटी में पब्स थे वहाँ पर सब लोग भरे पड़े हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो बहुत ही मीन है बहुत रूढ़ है और हम यह बिफोर टाइम आ गए हैं then she goes on to say it seems the queen's command brings only tell the dead marines we have come to you मतलब कि वो ये बोलना चाहते हैं कि मैं एक queen हूँ ये क्वीन बोल रही है poet को कि ऐसा लगता है क्वीन का सिर्फ एक ही क्वीन जब मैसेज देती है तो सिर्फ इतना ही बोलती है कि डेड uh, मरीन्स के बारे में मैसेजेस uh, देती है या कुछ कंट्री रिलेटेड मैसेजेस देती है लेकिन ये बहुत अनयूजल है कि मैं एज अ क्वीन वो क्वीन जब आई है वो किस तरह का मैसेज दे रही है आपके दरवाजे पे वो ये बोल रहे हैं कि आई uh, होप हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया हम इतनी रात को आए हैं तो आप यहीं पर सेंस कर सकते हैं दैट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एटमोसफियर तो इसको देख के पोइट ये बोलते हैं दैट आई मस्ट एडमिट I'd हाफ एक्सपेक्टेड जस्ट द विजिट विद अ लाफ दैट पुट them एट their ईज आई बाउड माई हैड सो इट इज़ ऑबियस वेरी ऑब्वियस कि इतने बड़े लोग रॉयल द इंटायर रॉयल द रॉयल फैमिली हैज़ कम सो इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर द पोएट टू ट्रीट दम कर्टियसली द पोएट ने क्या किया ही बाउड हिज हैड और एक छोटा सा उनको स्माइल दे दिया और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब आप लोग रॉयल फैमिली के हो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन फिर पोएट ने बोला योर मैजेस्टी इज मोस्ट वेलकम हियर एज यू नो दिस इज़ अ वे यू एड्रेस अ क्वीन दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट गाइस प्लीज रिमेंबर कोई भी रॉयल फैमिली स्पेशली द क्वीन आप उनको योर मैजेस्टी कहकर एड्रेस करते हैं यू डोंट टेल देम एनी अदर यू डोंट टेल क्वीन एलिजबे आप उनका नाम नहीं लेते सो इट इज़ अ बैज ऑफ ऑनर यू टेल दैम योर मैजिस्टी सो दैट इज़ हाउ द पोएट वेलकम्स द रॉयल फैमिली और वो बोलते हैं कि माई होम इज़ योर्स देर इज़ लिटिल बेट आप यहाँ पर रह लीजिए और जो छोटा सा बेड है क्वीन तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग हु वाज द देन हस्बैंड ऑफ़ क्वीन एलिजाबेथ और बॉयलर रूम यहाँ पर क्यों बोला गया है यूजली बॉयलर रूम शिप्स में होता है जो नीचे की तरफ होता है जहाँ पर uh, सारे काम वगैरह होते हैं छोटा सा रूम uh, होता है सो so, उन्होंने क्यों बोला ये यह, यहाँ पर आप देखिए इतना अच्छा कम्पेरिजन क्यों किया गया है क्योंकि जो ड्यूक जो है उनका आप प्रोफेशन देख लीजिए वो नेवी थे सोल्जर्स सोल्जर soldier थे नेवी में थे सो ही इज काइंड ऑफ यूज टू दिस थिंग्स सो अगर भी वो बॉयलर रूम में रहेंगे ही विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन राइट यर नेक्स्ट ये है सेकेंड ये भी सेकेंड स्टैंडा में है सेकंड स्टैजा इज क्वाइट लॉन्ग तो ये हमारा दूसरा पार्ट है सो सेकंड स्टैंडा द नेक्स्ट वी मूव ऑन टू यहाँ पर लिखा है ही थैंकट मी ग्रेवली फॉर इट एंड ही टुक हिमसेल्फ विद एन वेव देन द क्वीन मदर अभी रहने का तो सबका सेट हो गया अभी तो पता है कि ये लोग यहीं पर रहेंगे और ड्यूक जो है वो बॉयलर रूम में सो जाएंगे वहीं पर रह जाएंगे लेकिन जो एक और इंसान है वो है जो क्वीन थी उनकी माँ अब वो कहाँ पर रहेंगे शीट बी बेस्ट डाउन विथ यू देर इज नो अदर बट माई वाइट बेड आई एल कर्ल अप इन अ चेयर तो यहाँ पर बींग कर्टियस एंड बींग डिस द जो पोइट है वो बोल रहे हैं क्वीन को कि आ, जो मेरा बेड है मतलब जो पोइट का बेड है वो ऑफर कर रहे हैं क्वीन को और क्वीन की माँ को कि आप दोनों वहीं पर सो जाइएगा और जो चेयर है मैं वहीं पे सो जाऊंगा द क्वीन लुक थॉटफुल शी ब्रश्ड आउट हर हेयर एंड फोल्डेड अप द गार्टर ऑन अ पाउफ तो ये देख के आपको पता ही चल रहा होगा जो क्वीन है वो उन्होंने मन ही बना लिया है कि उनको यहीं पर रहना है वो आज यहाँ यहीं पर बिताएंगी रात सो शी स्लोली स्टार्टिंग टू अंड्रेस धीरे धीरे अपना जो सब गार्मेंट्स uh, है वो सब शी स्टार्टिंग टू रिमूव जो गार्टर है दिस इज़ अ गार्टा यू कैन सी ये यूजअली वुमेन स्पेशली ब्रिटिश वुमेन वो पहनती थी इन इट्स काइंड ऑफ अ लॉन्ग इट्स स्टॉकिंग में जो एंड रिंग होता है इट्स यूजली वेयर वो पैरों में तो उनको uh, उसको निकाल के क्वीन ने एक पूफ़ पे रखा विच इज़ अ काइंड ऑफ लाइक अ फर्नीचर वेरी पफी फर्नीचर आप पिक्चर में देख सकते हैं इसको तो धीरे धीरे क्वीन ने उसको निकाल के उस, uh, उस पर रखा देन डिस्ट्रेस वॉज द फर्स्ट कॉमनर एंड एज प्रूफ दैट क्वीन बाउज़ टू द टाइम्स शी सेड वी थ्री शैल शेयर द डबल बेड प्लीज फॉलो मी एंड दिस इज़ वेट द सेकेंड सेकंड स्टैंड एंड्स जिसका मतलब ये है कि क्वीन अभी बोल रही है ये इसको निकाल के जो क्वीन अभी बोल रही है कि समय के सामने कौ किसकी चलती है एज इन जब सिचुएशन्स आता है तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है इसका मतलब ये है सो so, इवन कोई क्वीन नहीं होता कोई किंग नहीं होता जब सही समय आता है सबको जो काम करना चाहिए वही करना पड़ता है तो वो बोलती है कि नहीं वो पोइट को बोलती है वी थ्री शैल शेयर द डबल बेड मतलब जो बेड है वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी माँ नहीं बल्कि आप भी सोएंगे हम तीनों मिल सोएंगे उसी बेड पर नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं थर्ड पैराग्राफ में सॉरी थर्ड स्टैंडजा में विच इज़ आई वेटेड अभी पोएट बोल रहे हैं कि आई वेटेड फॉर द लेडीज अभी दे हैव अग्रीड कि वो लोग दे विल शेयर द सेम बेड नो वन इज स्लीपिंग डिफरेंटली जहाँ पर पोइट सोएंगे वहीं पर क्वीन भी सोएंगी और उनकी माँ भी सोएंगी सो अभी पोएट बोल रहे हैं कि आई वेटेड फॉर द लेडीज टू अन्ड्रेस अ सेंस ऑफ फिटनेस इवन इन डिस्ट्रेस इज ऑलवेज विथ मी दे हैड टक्ड अवे देर स्टेट रोब्स इन अ लो लो बॉय तो पोइट ये अभी बोल रहे हैं कि ये जो लेडीज थी ऑफकोर्स बिकॉज वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो एकदम सोफिस्टिकेटेड था बट दे वर अंड्रेस लाइक दे वर स्टार्टिंग टू रिमूव बिकॉज दे आर गेटिंग रेडी टू स्लीप सो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट कि वो कैसे uh, अपना सब गार्मेंट्स uh, निकाल रहे हैं एंड दे आर गेटिंग रेडी टू स्लीप टड अवे द स्टेट जो उन्होंने लंबे लंबे रोब्स पहने थे उसको लो बॉय पे रख रहे हैं लो बॉय अगेन एक फर्नीचर है ये कलोकियल लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलियन टर्म है उसको लो बॉय बोला जाता है यू कैन सी हाउ हाउ अ लो बॉय एग्जैक्टली लुक्स लाइक देन यू कैन सी हियर गोल्ड क्राउन्स ले अपॉन द बिसाइड अपॉन द बिसाइड टेबल्स रोप्स ऑफ पर्ल्स लैसोड द प्लास्टिक लाम

प्रेशियस सामान जो है वो इनकी छोटी सी एक फर्नीचर में किधर रख रहे हैं कहीं पर रख रहे हैं कहीं पर रख रहे हैं प्लास्टिक का लैम्प शेड है उधर रख रहे हैं अपना जो पर्ल्स का सेट है सो so, उनको भी थोड़ा कॉन्शियस लग रहा है बट वो उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इतने बड़े लोग इतने इतना धन दौलत जायदाद एंड स्टिल दे आर प्रिपेर टू स्लीप हेयर ही स्टिल एस्ट्रनिश्ड के दिज पीपल आर स्लीपिंग हेयर एंड वो इतना उनका प्रेशियर्स जितना सामान है वो इतनी छोटी छोटी प्लास्टिक पे फर्नीचर पे उसको कैसे रख रहे हैं सो ही इज एक्चुअली आल्सो वेरी अमेजड अबाउट इट देन ही गोज ऑन टू से हॉप इन सेट द क्वीन मदर इन आई पाइल बिटवीन देम टू लाई लाइक अ स्टिक ऑफ वुड जैसे आ, लकड़ी की काठी को रखा जाता है दोनों के बीच में ठीक उसी की तरह पो, पोर्ट ने क्या किया इस तरफ क्वीन मदर और दूसरी तरफ क्वीन सो रही थी और वो बीच में ही जस्ट लाइट डाउन लाइक अ स्टिक ऑफ वुड आई कुडेंट फाइंड अ थिंग टू से माई ब्लड बीट बट लाइक रोलर्स एट द एब ऑफ टाइड। सो वेरी ऑब्वियस की बात है अगर आप नेचुरली uh, देखेंगे तो उनको भी बोलने को कुछ नहीं होगा क्योंकि ही इज़ ऑल्सो वेरी शॉकड की उनको भी बिलीव नहीं हो रहा है कि वो क्वीन और क्वीन की माँ के ही स्लीपिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ देम तो उनको भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोलें क्या करें सो ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग देन ही सेज फाइनली आई होप योर मैजेस्टी स्लीप वेल

तभी जब जब ही पोएट ने उनको बोला क्वीन ने क्या किया पोएट का हाथ पकड़ा और बोला आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मैं आपकी बहुत ग्रेटफुल हूँ और वो पोएट को अपने नाम से बुलाते यूजुअली ऐसा नहीं होता है हाई सोसाइटीज़ में पोएट वो एक पोएट है वो एक मेयर ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मेयर सिटीजन लाइक अ सब्जेक्ट टू हिम वो कहाँ पोएट कहाँ और uh, क्वीन कहाँ लेकिन क्वीन ने क्या किया जॉक को अपने uh, नाम से बुलाया जॉक प्लीज़ कॉल मी मैम इसका मतलब आप यहीं पर समझ सकते हैं मतलब क्वीन बोल रही हैं कि आप मुझे मैम बुलाइए अगर आपको याद होगा मैंने पहले बोला था दैट कॉलिंग मैम इज़ नॉट अलाउड यूजुअली मैजेस्टी बोला जाता है जब आप एड्रेस करते हैं किसी को यू से मैम सो दिस काइंड ऑफ शोज़ यहाँ पर प्रूव होता है दैट दिस वॉज द ऑस्ट्रेलियन ड्रीम नव वी से ऑस्ट्रेलियन ड्रीम हम ये नहीं समझते हैं कि उन्होंने uh, सोकर रात में एक सपना देखा लाइक एव सेट बिफोर उन्होंने एक विजन देखा विच मीन्स वो एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया चाहते थे एक ऐसा दुनिया चाहते थे जिसमें एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया हो जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे को सम्मानता uh, की नज़रों में देखें मतलब एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया हो एक ऐसा दुनिया हो जहाँ पर इवन देर इज़ नो किंग देर इज़ नो सर्वेंट देर इज़ नो रॉयल देर इज़ नो ऑर्डिनरी एंड एवरी वन इज़ द सेम सो so, ये उनका विजन उन्होंने इसी सेंस में डिस्क्राइब किया है मतलब उन्होंने ये बोला है कि वह एक ऐसा ऑस्ट्रेलिया देखना चाहते हैं यही उनका ऑस्ट्रेलियन ड्रीम है विच मीन्स ही वांट्स टू सी अ प्लेस दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पार्शलिटी डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे इक्वालिटी हो जहाँ पे कोई बड़ा छोटा ऐसा ना हो जो सुपीरियोरिटी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होती है वो ना हो वहीं पर वो एग्जिस्ट ना करता हो सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट द पोएम इज़ अबाउट ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पोएम का प्लीज़ रिफर टू दी एक्स्ट्रा स्लाइड्स फॉर सम एक्स्ट्रा पॉइंटस एंड आई एम होपिंग आपका वीडियो अच्छा लगा होगा इफ यू डिड प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो